नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एम जी हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स के बारे में। यहाँ पर हमारे पास टू करंट कैरिंग वायर्स है और इन दोनों करंट कैरिंग वायर्स के बीच में हम फोर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर इन दोनों वायर्स के बीच में हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। प्रूव दैट बायो सावर्ट लॉ डज नॉट वायलेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ पर हमें ये भी प्रूव करना है कि जो यहाँ पर बायो सावर्ट का नियम होगा वो न्यूटन के थर्ड नियम का उल्लंघन नहीं करता है। अर्थात फिर यो कह सकते हैं कि जो बायो सावर्ट का नियम होगा वो न्यूटन के थर्ड नियम का यहाँ पर फॉलो करेगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, लेट अस कंसिडर टू वायर ऑफ लेंथ L1 एंड लेंथ L2। हमारे पास टू वायर्स लेंथ L1 और L2 के यहाँ पर हमने कंसिडर किए हैं। एंड दीज कैरिंग करंट I1, I2 रेस्पेक्टिवली। और इन करंट, ये जो कंडक्टर हमारे पास है, इन कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है वो करंट I1 और करंट I2 फ्लो होता है। और यहाँ पर इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर पर हम टू एलिमेंट्स DL1 और यहाँ पर एलिमेंट्स DL2 यहाँ पर कंसिडर करते हैं। देन हम देखते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन DL1 एलिमेंट ड्यू टू DL2 एलिमेंट। यहाँ पर जो इस DL1 एलिमेंट पर DL2 एलिमेंट के द्वारा जो फोर्स एक्टिंग होगा, जो फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पर जो DL1 एलिमेंट होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू इस एलिमेंट DL2 के कारण। यहाँ पर DL1 एलिमेंट DL2 एलिमेंट के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा DF12 वेक्टर इक्वल टू I1 DL1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर। ये हम लिख सकते हैं। देन DF12 यहाँ पर इस एलिमेंट DL1 पर एलिमेंट DL2 के द्वारा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे DF12 वेक्टर इक्वल टू I1 DL1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर। देन यहाँ पर यदि हम टोटल फोर्स निकालना चाहें तो F12 वेक्टर हमारे पास आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन I1 DL1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर। यहाँ पर जो अब F12 वेक्टर हमारे पास आता है, ये इस कंप्लीट वायर जो हमारे पास जो वायर फर्स्ट है, इस कंप्लीट वायर फर्स्ट पर यहाँ पर फोर्स होगा F12 वेक्टर। वेहर B2 इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकंड। यहाँ पर जो B2 है ये इस वायर सेकंड के कारण, इस वायर सेकंड में जो करंट I2 फ्लो होता है और इस वायर सेकंड के जो DL2 एलिमेंट है, इस DL2 एलिमेंट और करंट I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B2 है। वेयर B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकंड विद करंट I2 एंड एलिमेंट DL2। देन यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, अब यदि हम बायो सावर्ट नियम का यूज़ करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस यहाँ पर इस एलिमेंट DL2 और करंट I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 वेक्टर इक्वल टू वो हमारे पास होगा म्यू नोट I2 अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन DL2 वेक्टर क्रॉस R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। इक्वेशन नंबर टू इसे हम देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि ये दो B2 वेक्टर की वैल्यू है, ये B2 वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर हम रख देंगे B2 वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी F12 वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 4 पाई डबल इंटीग्रेशन DL1 वेक्टर क्रॉस DL2 वेक्टर क्रॉस R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका क्यूब। देन ये हमारे पास जो फर्स्ट वायर हमारे पास है, उस फर्स्ट वायर पर ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम यूजिंग द वैक्टर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हम वैक्टर प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैक्टर प्रॉपर्टीज़ यदि इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस
सी इक्वल टू बी डॉट ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए डॉट बी। देन यदि यूज़ करेंगे ये वेक्टर प्रॉपर्टीज़ तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एफ वन टू वैक्टर इक्वल टू म्यू नोट आई वन आई टू अपन फोर पाई डबल इंटीग्रेशन डी एल टू वैक्टर डी एल वन वैक्टर डॉट आर वन टू वैक्टर माइनस आर वन टू वैक्टर डॉट डी एल वन वैक्टर डॉट डी एल टू वैक्टर अपन आर वन टू का मैग्नीट्यूड का क्यूब। बिहार यहाँ पर हम देखेंगे कि डी एल वन वैक्टर डॉट आर वन टू वैक्टर इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो प्राप्त होंगे क्योंकि ये जो एलिमेंट है डी एल वन और यहाँ पर हमारे पास जो पोजीशन वैक्टर होगा आर वन टू वैक्टर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बायो सावर्ट लॉ में, इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। देन हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी एफ वन टू इक्वल टू माइनस म्यू नोट आई वन आई टू अपन फोर पाई डबल इंटीग्रेशन आर वन टू वैक्टर डी एल वन वैक्टर डॉट डी एल टू वैक्टर अपन आर वन टू का मैग्नीट्यूड का क्यूब। देन यहाँ पर हम देखेंगे जो पोजिशन वैक्टर होगा वो आर वन टू वैक्टर इक्वल टू होता है माइनस आर टू वन वैक्टर। अब यदि हम यहाँ पर आर वन टू वैक्टर की जगह माइनस यदि माइनस टू आर वन यदि पुट कर दे तो हमारे पास यहाँ पर साइन प्लस का आ जाएगा। देन एफ टू वन वैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो एफ टू वन वैक्टर की वैल्यू हमारे पास आएगी म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन फोर पाई डबल इंटीग्रेशन आर टू वन यहाँ पर हम पुट कर देंगे डी एल वन वैक्टर डॉट डी एल टू वैक्टर बटा आर वन टू का मैग्नीट्यूड का क्यूब। यहाँ पर हम इसको आर वन टू लिखें या फिर आर टू वन लिखें क्योंकि अंदर मैग्नीट्यूड में है इसलिए यहाँ पर साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर चार आती है और इक्वेशन नंबर थ्री और फोर से हम लिख सकते हैं यहाँ माइनस साइन है यहाँ प्लस साइन है लेकिन दोनों टर्म्स ये इक्वल हैं इसलिए हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर एफ वन टू वैक्टर इक्वल टू माइनस एफ टू वन वैक्टर। द फोर्स इज अट्रैक्शन और रिपल्टिव डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन। यहाँ पर जो फोर्स होगा रिपल्सन का और अट्रैक्शन का वो उन करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उनकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो एफ वन टू वैक्टर इक्वल टू माइनस एफ टू वन वैक्टर आई है इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बायो सावर्ट लॉ है वो न्यूटन्स के नियम का पालन करता है न्यूटन्स के नियम का फॉलो करता है। सो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।